सोशल मीडिया का जहां आज के समय में लोग फायदा उठा रहे हैं, वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। कुछ रिश्ते भरोसे पर खरा उतरते हैं, कुछ धोखे में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही आंध्र प्रदेश की रहने वाली लड़की के साथ हुआ, जो कि जयपुर में रहकर UPSC की पढ़ाई कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान हुई। इसी जान पहचान ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर दिए और शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। और ये बातचीत का सिलसिला कब प्यार से बदल गया, ये एहसास ही नहीं हुआ। आज मैं समालखा गया हुआ था तो एक कॉल आई पानीपत से कि एक लड़की आई हुई है जिसका नाम है सोनिया, जयपुर से। वो बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश को और उसके साथ किसी ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे करीब एक डेढ़ महीना पहले, और शादी का झांसा देकर बाद में वो लड़का मुकर गया था। वो लड़का बताया गया यहाँ पर कावड़ी गांव का, और वो भी जयपुर में किसी दिल्ली की कंपनी की जो वहाँ पर था, वहाँ पर अपना वहाँ पर काम कर रहा था। मेरे साथ जबरदस्ती जो रिलेशनशिप बनाया गया था उसके लिए मैंने FIR करवाया था। अच्छा, तो अब मैं उससे संबंधित अपने लिए इंसाफ के लिए आई थी और शादी के लिए आई थी। तो क्या हुआ आज? आज जिस लड़के ने मेरे साथ जो भी रिलेशनशिप बनाए थे शादी का झांसा देके, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। उसके माँ बाप भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार। कहाँ आके आपकी रजामंदी हुई है? हरियाणा पानीपत में। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से, प्रॉपर आंध्र प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ जयपुर में, UPSC की तैयारी कर रही हूँ।